नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहूस क्रिएटिविटी। मैं हूँ पीहू, आप लोगों को मेरी चैनल पे फिर से और एक बार स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है और एक डिज़ाइनर, बेहतरीन डिज़ाइनर हेयर रिंग्स डेली यूज़ के लिए। अगर आप मेरी चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। ये जो रेड वाला सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबाइए, और उसके पास वाले बेल वाला घंटी जो है ना उसको दबाना भी मत भूले, ताकि मेरे सारे न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ईयरिंग्स बनाना बहुत ही इजी तरीके से हम बनाना स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए तो मैं वो ले लेती हूँ, और आप लोग देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए। ईयरिंग्स बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ये जंप रिंग गोल्डन कलर में। ऐसे जंप रिंग गोल्डन कलर में आप लोगों को मिल जाएगा शॉप में ही, और कुछ ऐसे मोती ये भी मिल जाएगा, ये वाइट कलर में है कुछ इस टाइप से, और ये बहुत सारे डिफरेंट कलर में भी आती है। ये शॉप में जाके आप लोग कुछ इसके बारे में बताओगे तो वो लोग दे देगा, इसका सही नाम मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मैंने लिया है दो हुक, ये देखिए गोल्डन कलर लिया है मैंने, आप लोग चाहे तो यहाँ पे सिल्वर भी यूज़ कर सकते हो, ये मोती के ऊपर डिपेंड करता है। ये मोती देखिए यहाँ पे इसका गोल्डन कलर का काम किया हुआ है, ये गोल्डन कलर में है इसीलिए मैंने गोल्डन में ही लिया है। तो आप लोग चाहे तो गोल्डन ले सकते हो या फिर आप सिल्वर में भी ले सकते हो। तो सबसे पहले जो करना है वो है ये जो जंप रिंग लिया है मैंने, इन जंप रिंग में से एक को उठाना है और इसको कुछ मैं प्लस, ओ और एक चीज़ यहाँ पे प्लस लिया है मैंने, ये भी वहाँ पे मिल जाएगा। प्लस की मदद से इसका मुंह मैं ऐसे खोल दूंगी, ये खोलने से देखिए इसका मुंह ऐसे खुल जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी ये जो मैंने मोती लिए, ये देखिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, एक डाला, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच डालने से ही एक कुछ ऐसा फिलअप जैसा हो जाता है, आप लोग देखिए यहाँ पे। तो मैं इसे ज़्यादा और लाइक और एक डालूंगी, एक दो डाल देती हूँ तो ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं और एक दो डाल देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने सात डाली है। और यहाँ पे उसके बाद मैंने ये हुक जो है उसको ले लिया, उसको लोग के इसके अंदर से उसको निकालना है, निकाल लिया मैंने। इसके बाद इसको प्लस की मदद से इसका जो मुंह है इसको मैं ऐसे बंद कर देती हूँ। प्लस की मदद से आसानी से बंद हो जाती है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, और कुछ इस टाइप से निकल के आया। तो हुक लगाने के बाद कुछ इस टाइप का निकल के आया है। अब इसके बाद हमें दूसरा स्टेप ले करना है, तो मैं और एक जंप रिंग ले लेती हूँ, इसका मुंह पहले से खुला हुआ है, और इसके अंदर में यहाँ पे बीज डाल देती हूँ। आपके ऊपर है आप कितना ज्यादा डालोगे कितना कम डालोगे, मैं मेरी हिसाब से डाल रही हूँ, मुझे कितना अच्छा लगेगा कितना झुमका अच्छा लगेगा। तो ये डाल दिया मैंने यहाँ पे कुछ छः, मैंने यहाँ पे छः झुमका मतलब छः बीट्स डाल दिया इसका मुंह को, इसको ऐसे टाइट करते हुए इतने से खोल के इसके अंदर हमने जो पहले वाला झुमका डाल बनाई और लगाई इसका जो रिंग है यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे जो रिंग है इस रिंग के अंदर मैं इसको डाल देती हूँ
अब इस रिंग के अंदर डालने के बाद इसको मुंह को मैं प्लस की मदद से सिक्योर कर देती हूँ। सिक्योर कर दिया मैंने इसके मुंह को कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, आप इस झुमके को इतने तक ही रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको और भी बढ़ा सकते हो, और एक स्टेप बढ़ा कर सकते हो। आपके ऊपर है, आपको कितना झुमका अच्छा लगता है, इतना सही अच्छा लगता है। आप अगर स्कूल गोइंग गर्ल्स हो या फिर कॉलेज गोइंग, तो इतना से आपको अच्छा लगता है और एक स्टेप बढ़ाइए। तो मैं यहाँ पे और एक स्टेप करूंगी सेम एक ही तरीके से। आप लोग चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो इतने में ही रोक सकते हो, वो आपके ऊपर है। और एक यहाँ पे मैं गोल्डन कलर का जंप रिंग ले लेती हूँ, और इसका मुंह भी पहले से खुला हुआ है, और इसके अंदर मुझे डालना है ये सारे बीट्स जो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ सेम एक ही तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले वाले में मैंने 7 डाली थी, उसके बाद मैंने 6 डाली थी, तो ये सबसे छोटा वाला मतलब नीचे का है, तो यहाँ पे मैं 4 डालती हूँ, 4 डालती हूँ उसके अंदर, 4 डालती हूँ। और उसके बाद ये जो मैंने झुमका बनाई, ये झुमके के जो नीचे वाले पार्ट है, नीचे वाला जो झुमका का रिंग है, यहाँ पे ढूंढ के, यहाँ पे जो रिंग है नीचे वाला रिंग, इस रिंग के अंदर से निकालना है। इस रिंग के अंदर से निकालने के बाद यहाँ पे इस रिंग के अंदर से निकालने के बाद इसको मैं, सॉरी ये गिर गया, इसको मैं फिर से डाल दी हूँ। अब इसके मुंह को मैं सिक्योर कर देती हूँ। प्लास के मदद से अगर आप एक बार टाइट कर देते हो तो उसका मुंह खोलना उतना आसान नहीं होती है। और यहाँ पे मेरा जो झुमका, एक तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी झुमका, तो दूसरे भी मैं कंप्लीट करके लाती हूँ सेम एक ही तरीके से। दूसरा भी कंप्लीट करना है, आप लोग भी ये कर सकते हो। और ये झुमका बहुत ही कम टाइम में बन जाती है, तो दूसरा रेडी करके लाते हैं। ये दोस्तों, यहाँ पे मेरा दोनों ही इयर रिंग्स कम्प्लीटली रेडी है, और ये बनाने में मुझे 10 से 15 मिनट लगी है। आप लोगों तो और भी कम समय में आप लोग ये रेडी कर सकते हो, मैं ये बता सकती हूँ। और ये बनाना कितना आसान है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो अब जल्द से जल्द ट्राई कीजिए अपने घर पे। आई होप आप लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर आप ट्राई करके पहन के जाओगे कहीं पे भी, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कोई भी जगह पे, तो बहुत ही अच्छा लगोगे। और ये सबके साथ पहन सकते हो आप, लाइक कुर्तीज, चूड़ीदार, सलवार सूट, सबके साथ अच्छा लगेगी, तो एकदम ट्रेडिशनल लुक देगी। आई होप आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। और आप लोग देख के ही चले जाते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो। यार कमेंट करके तो बताओ कैसे लगा, अगर आप लोग बताते हो ना कमेंट करके कि कैसे लगा, तो और ज़्यादा हौसला बढ़ती है। और कहीं कहीं पे गलती होती है, कहाँ पे गलतियाँ होती है वो भी बताओ, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, मैं अपनी गलती सारी सुधारने की बहुत सारी कोशिश करने वाली हूँ, करूँगी भी। और मेरा हिंदी बहुत बेकार है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, तो उसके लिए माफ़ी। और ये डिज़ाइन अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पीयूष क्रिएटिविटी को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना। मैं फिर मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप इस डिज़ाइन को बनाइए, पहनिए, और मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये न्यू 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 डिज़ाइन इयर रिंग्स, छोटू मोटू सा इयर रिंग्स का डिज़ाइन।